नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, LDM लेट डाउन ऑफ मिल्क। जो भी पशुपालक भाई मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो इस प्रोडक्ट को जरूर मंगवाइए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अनेकों फायदे हैं। अगर आपका पशु दूध नहीं उतारता है तो 200 ml उसको प्रतिदिन रोज आपको पिलाना है, 100 ml सुबह, 100 ml शाम को। अगर आपके पशु का बछड़ा या बछड़ी मर जाता है और वो दूध देना बंद कर देता है तो सुबह शाम उसको 100 ml पिलाइए, वो दूध देना शुरू कर देगा। यदि आपके पशु को थनेला रोग हो जाता है, उसके थनों में दिक्कत आ जाती है और उसके बाद भी वो दूध नहीं उतारता है तो भी ये प्रोडक्ट बहुत उपयोगी है। पशुओं की अनेकों बीमारी के लिए तरल पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि इस पे लिखा है, दूध उतारने, दूध बढ़ाने, दूध का फैट बढ़ाने, अच्छे पावस के लिए अद्भुत जड़ी बूटियों से बना तरल पशु खुराक मिश्रण है। सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और घर बैठे ऑर्डर करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए और जानकारी प्राप्त। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाइयों ने गुरमीत कवि की हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार है। आज पहुंच चुके हैं जिला झज्जर के कबलाना गांव में, सौरभ भाई के पास पहुंचे हैं, सौरभ कोडाण, कोडाण डेयरी फार्म पर आपकी मुलाकात करवाएंगे सौरभ भाई से। बहुत अच्छे पशुधन के लिए जो भाई जाना जावा, जिस क्वालिटी के लिए भाई जाना जावा है, आज उसी क्वालिटी पर चर्चा कराएंगे और 1 से 2 पशुधन इस वीडियो में सेल के लिए अवेलेबल होंगे। सारी बातें सौरभ भाई से करके इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो कंप्लीट वीडियो सारे भाई। राणा साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम सभी चैनल देखने वालों को। भाई काफी लंबे टाइम के बाद आज वीडियो का शूट बैठे, क्या दिक्कत आ रही थी? काम ढीला है, रेट महंगे हो रहे हैं, कोडाण डेयरी फार्म पे नहीं पशु खरीदे जा रहे, थोड़ा कुल का बताओ बाबू जी। भाई साहब लोकल बिक्री बढ़िया चल रही है। अच्छा, पशु लोकल में ज्यादा सेल हो जाए। हाँ हाँ, ये आपकी मेरी जैसे बात हुई थी तो ये भाई मेरे घर की भैंस है दोनों। ठीक ठीक ठीक, घर ने दूध बेच रखा है। हाँ हाँ, तो एक 2 महीने की ब्याई है, एक 2.5 महीने की ब्याई है। ठीक ठीक ठीक, तो ये न्यू ये सेल कर देंगे। अच्छा, दोनों जो मतलब दो पशु धन इस वीडियो में दिखावांगे। हाँ। दोनों सेल के लिए होंगे, दोनों बाखड़ी होंगी। हाँ, ना एक 2 महीने की ब्याई है, एक 2.5 महीने की ब्याई है। ठीक ठीक भाई, बाखड़ी कह लो। हाँ। मैंने न्यू है, मेरा न्यू है, ताजा लेनी है मैंने। आपने ताजा लेके आनी है, बेचने का रीजन यही है। बस ये रीजन है की बिक्री में अच्छी है, एक तो बहुत ज्यादा अच्छी भैंस है। ठीक ठीक, एक नंबर पर जो आप पशु धन देखने लाग रहे हैं अपनी वीडियो में, क्या कुछ डिटेल होने वाली है बाबू जी? अगर मैं डिटेल की बात करूं, जैसे कितने दिन की ब्याई होली, कौन सा ब्यांत है? तीसरे ब्यात में है। तीसरे ब्यात में बच्चा दे रखा है, कटिया नीचे है, नीचे कटड़ी है। कितने टाइम की ब्याई होली? तीसरी बार ब्यारी है, 2.5 महीने की ब्याई है। तीसरे ब्यात में बच्चा दे रखा है, नीचे कटड़ी है फिलहाल में। अगर करंट की बात करें, 10 किलो दूध है दोनों टाइम का, कट्टे के तोल का लीटर में है जी भाई अपना दूध जा है। अच्छा, अपनी तो इतनी कह सका हाँ, क्योंकि आप दूध बेचने वाले हैं ना, ये पशु मान ले भाई थोड़ा सेवा नॉर्मल रखा। हाँ 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 हाँ, बाकी पशु अपना जागा किलो दूध बाखड़ी मान लो, इस उसमें भी किलो दूध बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा लाठी ठोक। तो आप 10 किलो मान सके काटे के तोल का। हाँ, आपके हिसाब से। हाँ, काटे, अरे 1 किलो टिंडी की है। 1 किलो टिंडी की। हाँ, या अपने घर ने जो कर, इसका तो बिलोवा है जो या 1 नंबर पे है। हाँ हाँ, इसका दूध बिलोवा। हाँ, इसका बिलो हो और इतनी मोटी धार है जितनी अपनी चितली। करडी धार तो नहीं जो कर, करडी का कोई मतलब कौन है? वो पहले ब्याते है अपने पास है ना भाई, अपने दूर नहीं है। आप कब लेकर आए? अपन हो गए, इसने लिया लगा लो 2.25 महीने हो गए, मतलब ब्याह पछे ले आए थे आप। हाँ, तो 14-15 दिन की ब्याई थी। नीचे कटड़ी है, थोड़ा पीठ पुट्ठा है, एक सिंग से खुंडी कह लो इसने, तड़वारी है मेरे ख्याल से भाई। नहीं बेरा अपन, अपन नहीं बेरा क्योंकि अपने तो नहीं आई थी। हाँ। ठीक ठीक, तो क्या मोल तोल होंगे बाबू जी? अगर सेल के रेटा की अगर आप बात करा, क्या भाव होगा? दे देंगे 75,000 रुपया की भाई, 10 किलो दूध की, 2.5 महीने की ब्याई, नीचे कटड़ी, 75,000 रुपया, 1 किलो टिंडी की। 1 किलो टिंडी की है। अरदार दारी बाप क्या गलाक देखियो। ठीक भाई, इसमें शॉट लाओगे, कोशिश करांगे। आधार कार्ड दो भी आपने, वीडियो दिखावा लगा लो। इन दोनों पर स्वागत है, लास्ट में काट दिया करा। अच्छा, सबसे लेट ही निकाला। हाँ, ये दोनों इबी हम आए, मेरे ख्याल 4:30-5 बजे पहुंच गए थे। हाँ, इनका 6 बजे के लमसम, 6:30 बजे इस न्यू काट दिया। हाँ, ठीक, मान लो घंटा भर इनके दूध का पड़ा भी है। ठीक ठीक, घंटा भर इनका दूध का पड़ा भी है, सवेरे भी इसी टाइम निकाल, सवेरे भी इनका न्यू है ना भाई, ये सेल की तो है ना। हाँ भाई, आप झूठ बोलना, सेल वाली बहस जो सुबह 5 बजे के लमसम ले कर ले हैं। ठीक है, इनका तो घर न रखना रहे, अगर के लिए ही इनका रहता है, जो बिक्री के लिए दूध जाओ दूसरे पशुओं का। हाँ, बिक्री के लिए जो दो पशु आप वीडियो में दिखावांगे, जो एक नंबर पर पशु देखने लाग रहे हैं, इस भैंस का सारा दूध आप अपने घर पे यूज। हाँ, घर पे यूज करा भाई। इस करके ही भाई ने यह बात बताई है कि 1 किलो टिंडी की है। कितना मोल बताया जी? 75,000 रुपये। 75,000 रुपये कीमत होगी भाई आप सभी के सामने, एक नंबर पर जो पशु देखने लाग रहे हो, कोडाण डेयरी फार्म पे गांव कबलाना है, सौरभ भाई के पास है। पशुपालन का व्यापार वर्ग का कह लीजिए, बहुत बड़ा चर्चित चेहरे से आज आपकी मुलाकात कराई है। 2 नंबर पर जो पशुधन है भाई सब,
छोटी ही जोटी है प्यारी ही, जिन्होंने कहा कम बॉडी वेट की, फुल बॉडी वेट की तो खूब बोला हाँ, लेकिन कम बॉडी वेट की जोटी है, गोल सींग में है, दांत कौन सा है? खारकी है भाई, खारकी कितने? छह दांत है। अच्छा, मुंह से छह दांत है, खारकी है, मिल्क वेन देखने लग रहे हैं, पूरी मोटी नसदारी है। अरे कितना क्या दूध है, कितने टाइम की ब्याई है भाई? दो महीने तक प्लस की ब्याई है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री है भाई, अपने किसी ने पैसे रख लिए थे। अच्छा हाँ, आप इसने 1,20,000 रुपया की लाए थे एक महीने पहले, जिस दिन यह ली ना हाँ। उससे दिन बच्चा मर गया था। ओह, 1,00,000 रुपया का अपना आइडिया था भाई, मैं क्या अगर रुपये फंसे होड़ में महंगी सस्ती किसी हो जाए। हाँ भाई, अपने पैसे पूरे करने, पैसे पूरे करने थे। अड़वी जोटड़ी है हाँ हाँ हाँ। जो चीज जब पहले दूध कितना है जी? 8 किलो दूध है भाई, 10 किलो दूध कोई भी भाई अपने घर ने ले जाकर काट लियो। जोटी आपने दिखाई है सौरभ भाई, उसका रेट सेट के है? मोल भाव नहीं भाई, फिक्स रेट है 62,000 रुपए। रेल का भाड़ा? रेल का भाड़ा, रेल की टिकट 62,000 रुपए। कोई भाई छक्का तो दूध पी लेगा हाँ। अपना कहना जो है हाँ। छक्का दूध पी लेगा, फिर भी ना नूना के रुपये टूटेंगे हाँ। आग लेके जाकर नहीं भी होगी, सारे काम होंगे मेरे गांव में भाई। आड़ा गणित कहाँ को नहीं, मतलब 20-25 आदमी बैठे रहा है अपने दो रोका चा पानी ताई हाँ हाँ। किससे तभी नू बुझ लियो कितने दिन की ब्याई है, सब ने बेरा। तो सौरभ भाई, खर की जोटी आप बता रहे हो भी 8 दिन की ब्याई के नीचे अपन 16 किलो दूध हाँ, 16 किलो दूध। अरे 20+ बताओ। 20+ बताया है भाई उसने, बताया मैंने अपने हाथ नहीं काटा हाँ हाँ। पर मेरा उम्मीद होगी थी कि वह जोटी अच्छी चरण में भी थी हाँ हाँ। 6 दांत में ब्याई थी भाई, फुल हाइट लेंथ थी पूरी, एक प्रकार तो उम्र लेके हाइट लेंथ बहुत ज्यादा थी। पंजाब की अगर बात करें किस डेयरी फार्म पे है, कौन सी जगह भाई? बरनाला के पास है और उनका वे फिलहाल मौके पर गांव के सरपंच है। अच्छा अच्छा, घोड़िया का फार्म है। घोड़िया का फार्म है, वहाँ पे वो पशुधन गया हुआ हाँ है। और मतलब वो ब्रीडिंग के लिए काम शुरू कराया उनने। अच्छा, दो जोटी गई है तो उनने कही थी 50 जोटी लेनी, उनके तीसरे दिन फोन आ लिए मेरे दूर लगते आने लग रहे हैं, मतलब अर्धु एक दिन छोड़ गए एक दिन। अच्छा अच्छा, सिर्फ उन इतनी बात कही है भाई, पशु दूंगा जो मेरे मन में भावगा वो दूंगा। एक जुगर 5 जोटी आ रही है ताजा हाँ। इन मतलब जोन सी मेरे मन में भावगी मैं उसने भाई ने वहाँ पूरी सेट कर काटता है उसकी डाला जुगर अपना भैया इतना दूध काट देगी। अपना वो एक और दो दांत जोटी दी थी हाँ, सिर्फ उसने कही थी भाई ने कि भाई अपने लिए क्या वो है। माँ भाई साहब खींच तो खाली होते होगा, 5 किलो दूध 12 किलो दूध ना देता, उल्टी टांग दी मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, किलो दूध दिया उसने। अच्छा भाई, ये तो मतलब वो भाई सेटिस्फाई है आपके काम से, सीधी सी बात यह है। और सेटिस्फाई है लोग, सौरभ भाई तभी इतना बढ़िया काम चल रहा है भाई। आज मेरे हिसाब से परमात्मा की दया है, कोई नहीं तो इन ठंडा होगा, सौरभ भाई ने नहीं कराया ना इस चीज तो। आप अभी तक तो बच रहे हो, करेंगे भाई बचे। एक चीज बताऊं, ईसा तो कोई व्यापारी नहीं पाओ धरती पटोए हाँ, जो बात हुआ करे ठीक है। अपनी जान में सब बढ़िया चीज ले आओगे हाँ, और बढ़िया बेचने की कोशिश करेंगे। ठीक ठीक ठीक, अपना बढ़िया चल रही हो, अपना खराब चल रही हो, आग लेकर जाकर बढ़िया हो जाए, आग लेकर जाकर खराब भी हो जाए। या काली माई, इसका कुछ बेरा, इसका कुछ नहीं बेरा, कुछ पता भी नहीं होता इसका कुछ। लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन की तरफ तो अपना तो पूरा पेटा भर आदमी दे हाँ, अपना न्यू कोशिश करा के भाई वो आदमी पशु ले जाए इसने दोबारा देवांगे। ठीक ठीक ठीक, ताकि वो आदमी जुड़े रहे। ठीक ठीक ठीक, वही बात है ना सौरभ भाई, अगर आप क्वालिटी दोगे किसी ने बढ़िया चीज दोगे तो कस्टमर आपके पास आओगा हाँ। अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अच्छी क्वालिटी दो, बढ़िया काम करो ताकि लोग आपसे लंबे समय। अगली वीडियो में आपने जोटी दिखाओगे तो कब बनेगी फिर अगली वीडियो? आज बस न्यू लगा लो, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे भाई। पशुपालन विकास मंच पर सौरभ भाई की वीडियो फिर आवा, पहुंचे हैं कबलाना गाँव में कोडान डेयरी फार्म पे सौरभ भाई के पास। मोबाइल नंबर आप बता दो जी। 7982838313 ये भाई का मोबाइल नंबर है। कोडान डेयरी फार्म पर सौरभ भाई के पास हाँ, पशुओं की बात पशुपालकों के साथ। पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाई, राम राम भाई। राम राम भाई।